दोस्तों नमस्कार, एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों साल 2020 के शुरुआत में इस सदी की सबसे बड़ी घटना कोरोना महामारी का फैलना माना जाता है। तब इस दुनिया को पता चला कि इंसानों की सेहत जानवरों से सीधे सीधे तौर पे जुड़ी हुई है, लेकिन पूरा ध्यान दिया गया पक्षियों और स्तनधारी जीवों पर, लेकिन किसी ने उभयचरी यानी एम्फीबियंस जीवों पर ध्यान नहीं दिया, जबकि ये इंसानों की सेहत में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। एक हाल ही में आई एक स्टडी में इस बात का खुलासा किया वैज्ञानिकों ने कि इंसानों की सेहत डायरेक्ट तौर पे जानवरों से सीधे तौर पे जुड़ी हुई है। इस स्टडी में मेंढक के बारे में बताया गया है कि कैसे मेंढक और इंसानी सेहत का कनेक्शन है, और वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि जिस हिसाब से मेंढक इस दुनिया से ख़त्म हो रहे हैं, इनकी प्रजातियां ख़त्म हो रही हैं, ये इंसानों के लिए एक बहुत ही खतरनाक बात है। वहीं स्टडी में कहा गया कि इंसानों को अगर स्वस्थ रहना है तो मेंढकों का होना अत्यंत ज़रूरी है। दोस्तों इस स्टडी में 1980 के दशक में कोस्टा रिका और पनामा में वैज्ञानिकों ने पाया था कि मेंढक समेत कई अन्य उभयचारी जीव की संख्या लगातार धीरे धीरे घट रही है। वहीं खास तौर से मेंढक और सैलामैंडर ये खास तरह की बीमारियों से धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ये बीमारी एक वायरल फंगस पैथोजन है, जिसकी वजह से मेंढकों की कई सारी प्रजातियां यहां खत्म हो चुकी हैं। इस बीमारी से एशिया और दक्षिणी अमेरिका के उभयचारी जीव की करीब 500 प्रजातियां खत्म हो गई हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा विलुप्त होती हुई और होने की कगार पर इन जीवों की प्रजातियां हैं। इनकी वजह से दुनिया भर में फंगस तेजी से फैल रहा है, साथ ही मच्छर और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारियां भी फिर से धीरे धीरे कई देशों में अपने पांव पसार रही हैं। दोस्तों इस स्टडी को करीब 2 साल पहले प्रेजेंट किया गया था, लेकिन अब इसका पेपर रिव्यू होकर एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुआ है, जिसमें मेंढक और सैलामैंडर्स मच्छरों की आबादी को ख़त्म करने में किस तरह से ख़त्म हो रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। वायरल फंगस पैथोजन से मलेरिया को रोकने वाले मेंढकों और सैलामैंडर्स जैसे एम्फीबियंस जीवों की मौत हो रही है। इस स्टडी में 1980 और 1990 में कोस्टा रिका, वहीं फिर 2000 की शुरुआत में पनामा में फंगस के मामले जैसे बढ़े थे उसको कोरिलेशन भी किया गया है। वहीं इस स्टडी में यह भी कंपेयर किया गया है कि जब भी मेंढकों की संख्या में कमी आई है तो इंसानों के बीमार होने का ग्राफ भी धीरे धीरे बढ़ता गया है। वहीं मलेरिया के केस प्रति 1000 लोगों पर एक संक्रमण बढ़कर हो गया है। आमतौर पर मलेरिया प्रति 1000 व्यक्ति में 1.1 से लेकर 1.5 लोगों तक होता है। वहीं मध्य अमेरिका में इसकी बड़ी वजह से मलेरिया के अन्य मामलों में 70-90% का इजाफा हुआ है। तो दोस्तों ये थी बात इस रिसर्च को लेकर, जिसमें वैज्ञानिकों ने एक मानव और मेंढकों के बीच एक कोरिलेशन ढूंढ निकाला है, जिससे अगर इस दुनिया में मेंढक खत्म हो जाएं तो इंसानी सभ्यता भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दोस्तों अब हमें याद दीजिए, नमस्कार।